राजकीय महाविद्यालयों में शुक्रवार को चुनावी घमासान होगा। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए छात्र संगठनों ने पुरजोर तैयारी की है। दोनों ही प्रमुख संगठन एनएसयूआई एवं एबीवीपी जोरदार तैयारी व सघन जनसंपर्क के चलते इस बार महाविद्यालयों में अपने प्रत्याशी के अध्यक्ष बनने का दावा कर रहे हैं। खैर, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से संगठन के प्रत्याशी अध्यक्ष पद की सीट पर कब्जा जमाते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर अंतिम दिन जहां उम्मीदवार मतदाताओं के घर पर दस्तक देकर समर्थन मांग रहे थे, वहीं कॉलेज प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। 31 अगस्त को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव संपन्न होंगे। माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय एवं सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय में 21 बूथों पर मतदान संपन्न होगा। चुनाव को लेकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व संयुक्त सचिव को घोषित प्रत्याशियों के साथ ही एनएसयूआई व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। उम्मीदवारों ने मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन मांगा। शहर के माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में 6,700 एवं सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय में 3,512 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एमएलवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए 13 बूथ व सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय में 8 बूथ बनाए गए हैं। लॉ कॉलेज में 320 मतदाता दो बूथों पर मतदान करेंगे। मतदान का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है। जिला मजिस्ट्रेट शुचि त्यागी ने एक आदेश जारी कर जिले के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के तहत 31 अगस्त को मतदान तथा 11 सितंबर को मतगणना के लिए भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव के दौरान कानूनी एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त की है। आदेशानुसार न्यास सचिव को माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, उपखंड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा को सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को उक्त स्थानों को छोड़कर शहर के अन्य क्षेत्र हेतु नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के अन्य उपखंड क्षेत्रों में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट तथा संबंधित तहसीलदार अपने क्षेत्रों में महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की सुनिश्चितता भी करेंगे तथा किसी भी महत्वपूर्ण घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देते हुए आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाएगी। भीलवाड़ा जिले में 10 कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव होंगे। सभी जगह पुलिस ऑफिसर्स लगातार वहाँ के छात्रों से, छात्र नेताओं से और वहाँ के जो चुनाव अधिकारी है उनसे संपर्क में है और उनको जो लिंगदो कमेटी की जो भी सिफारिशें हैं और उनके नियम है उनके बारे में सभी छात्रों को अवगत करा दिया गया है। अभी तक सभी जगह स्थिति ठीक है। पूरे जिले में जिस दिन छात्र संघ के चुनाव है उस दिन 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 10 DYSP और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और बाकी सभी मिला के करीब 817 अधिकारी और कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सभी जगह प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है, शांतिपूर्वक और अच्छी तरह चुनाव होंगे।